हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की भी ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम में आज ऐसा क्या है जो नया है, खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। आज का जो खास वीडियो है वो है कंट्रा वाउचर को लेकर के। किसको है? कंट्रा वाउचर को लेकर के। और कंट्रा वाउचर में जो भी आपको कंफ्यूजन है वो इस वीडियो से दूर होने वाली है। और कंट्रा वाउचर होने वाला है और भी आसान आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि कंट्रा वाउचर का यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम किसी कंपनी में इन हो जाते हैं। हम चूंकि एक नई कंपनी ही बना लेते हैं, हम किसी पुरानी कंपनी को नहीं लेंगे, लेकिन जो है हम एक नई कंपनी बनाएंगे। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पर चलते हैं और एंटर कर देते हैं। और एंटर करते ही हमारे सामने ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को हमें फिल करना है। जैसे कंट्रा वाउचर की बात है तो यहाँ पर मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के नाम से TRANSACTION ट्रांजेक्शन, इसी के नाम से मैं कंपनी बना लेता हूं। और यहां पे लोकल एड्रेस जो हमारी कंपनी का है वो यहां पे मैं दे देता हूं। एंटर करता हूं, यहां पे यू प्रेस करता हूं, उत्तर प्रदेश यहां आ ही जाएगा। एंटर करेंगे और यहां पर आपका पिन कोड आएगा। तो ये पिन कोड डालते हुए एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब आप एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर आपके सामने जीएसटी वाली विंडो खुलेगी। तो फिलहाल हम इसमें कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम इसमें हम नहीं करने जा रहे हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी। कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ फंड रिसीव कराना है अपने कंपनी में। तो वी बटन प्रेस करके वाउचर में चलेंगे। और वाउचर में अभी हमें पेमेंट वाउचर में, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की F6 होती है। फंक्शन बटन F6 आपको प्रेस कर देना है। अभी हम हैं सिंगल एंट्री मोड में। डबल एंट्री मोड में जाने के लिए क्या करेंगे, डबल एंट्री मोड में जाने के लिए F12 प्रेस करना है। फंक्शन की F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर इसको यस कर दीजिएगा। ये दिया गया यूज क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ टू ऑब्लिक बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको आपको यस कर देना है। बस आपका सिंगल एंट्री मोड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर आकर के चेंज मोड पे जाइएगा और यहाँ पर आकर के इसे डबल एंट्री मोड कर दीजिएगा। तो बस डबल एंट्री मोड में आप आ जाएंगे, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंपनी में फंड लगाना है तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का एक लीजर आपको बना लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट कर दीजिए और ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो एंटर करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पर वो चीज आ जाएगी और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर क्रेडिट आ रहा है। तो जब क्रेडिट के बाद भी क्रेडिट आने लगे तो इसको कैसे सही किया जाए, तो देखिए इसके लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और DR प्रेस कर देना है। तो ये डेबिट हो जाएगा। तो ये कैश में पैसा रिसीव कराया जा रहा है जो भी है। तो यहाँ पे कैश में कितना पैसा रिसीव कराया जा रहा है, तो देखिए 50,000 यहाँ आ गया। एंटर करके इसे जो भी आपने अमाउंट दिया था वो आ गया है और इसको रिसीव करा लीजिए। एंटर करके लास्ट तक एंटर कीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब हमें कहाँ चलना है, कंट्रा वाउचर में। तो चलिए आइए चलते हैं कंट्रा वाउचर में। और कंट्रा वाउचर के लिए हमें क्या करना है, F4 शॉर्टकट की प्रेस करनी है। तो चलिए F4 प्रेस कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर कंट्रा वाउचर में एंट्री पास करने वाले हैं। देखिए कंट्रा वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में एंट्री पास करना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड में इसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ चेंज मोड पे जाएंगे और इसे सिंगल एंट्री मोड बना लेंगे, बड़ा आसान है। तो ये सिंगल एंट्री मोड आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर में बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आपका जिस खाते में पैसा इन होगा उस खाते का डिटेल यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब चाहे वो SBI का हो, PNB का हो, जिस भी अकाउंट की बात करें। तो यहाँ पर अगर Alt C करेंगे तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी। और इस बार हम बात करते हैं किसकी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये लिखा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये हो गया कोटक महिंद्रा बैंक BANK। और एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर क्या करना है आपको, बैंक बी प्रेस करना है। तो यहाँ बैंक अकाउंट आ जाएगा। बाकी यहाँ बैंक अकाउंट की डिटेल जो है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और डालते हुए एंटर करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर बैंक का नेम, स्विफ्ट कोड और जो कुछ भी आता हो, और यहाँ पे देवरिया जो आपके ब्रांच का नाम है, और यहाँ पे चाहे तो चेक की डिटेल भी आप भर सकते हैं। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेना। अब यहाँ पर बात आएगी, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर किस बैंक से पैसा जा रहा है, इस वाले बैंक, मतलब इसमें पैसा जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक में, लेकिन किस बैंक से जाएगा, कैश जाएगा, कैसे जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कैश कर देते हैं, तो कैश तो हमारे पास सही है, तो हम इसमें 50,000 रुपए डाल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 50,000 रुपए हमने डाल दिया और एंटर किया। यहाँ पे नोटों की डिटेल आएगी। तो भाई 2,000 के नोट भी बंद हो गए और 1,000 के नोट भी
बंद हो गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, 500 के नोटों की बात करनी है। तो कितने 500 के नोट होंगे कि ये 50,000 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर 100 कर देते हैं, यहाँ पे 100 500 के नोट, तो ये 50,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 50,000 हो गया। आप एंटर करके इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने नरेशन को स्किप किया है। तो ये हो गया। अब जब आप जाएंगे वापिस से उसी बैंक का लेजर लगाएंगे, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का, तो आप देखेंगे कि इसमें 50,000 रुपए आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर 50,000 रुपए इसमें बैलेंस भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप कंट्रा वाउचर में एंट्रीज करना सीख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोटक महिंद्रा बैंक से निकाल करके किसी दूसरे बैंक में डालना हो, तो देखिए यहाँ पर अब हम अल्ट सी करके उस बैंक का लेजर बनाएंगे जिस बैंक में हमें पैसा डालना है। तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक करते हैं, तो ये हो गया पंजाब NAN, यहाँ पे नेशनल हो गया और यहाँ पे बैंक हो गया, और एंटर करेंगे ये बैंक अकाउंट ही रहेगा, और ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है। ठीक है, तो जो भी अकाउंट नंबर हो यहाँ पे दे दीजिएगा, और बाकी यहाँ पे IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम जो भी हो वो आएगा। एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है इससे पैसा ट्रांसफर करना है। कितना करना है, 10,000 रुपए। तो यहाँ पे 10,000 डाल दीजिए, तो ये 10,000 हो गया। एंटर करेंगे एंटर करके, और यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे 10,000। देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, 10,000 RES ट्रांसफर्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये हो गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो यही है, कंट्रा वाउचर की एंट्री ऐसे ही पास होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से पैसा डालना और निकालना दोनों ही खातों से आप कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आप पंजाब से निकाल के कोटक में डालना हो या किसी और बैंक में डालना हो, तो देखिए जिस भी खाते में पैसा जाएगा वही ऊपर आप रखेंगे। ठीक है, ये सिंगल एंट्री मोड है। आप डबल एंट्री मोड में भी जाके एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा आसान है, तो इसलिए ये भी। तो यहाँ से अल्ट सी करते हैं। अब इस बार हमें सेंट्रल बैंक में पैसा डालना है, तो ये हो गया सेंट्रल बैंक। सब हमारा ही अकाउंट है, यानी बिजनेस के पर्पज से बना हुआ है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने डाल दिया, एंटर किया। अब एंटर करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट ही रहेगा, और यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक का अकाउंट नंबर जो भी आपका होता हो वो दे दीजिएगा। एंटर करते हुए IFSC कोड, स्विफ्ट कोड डालते हुए नीचे आइएगा, और यहाँ पे ब्रांच का नेम डाल दीजिएगा। तो ये देवरिया ही रख देते हैं हम। और यहाँ पे चेक की डिटेल आती है, तो चेक की डिटेल फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, सेम स्टेट सेम सिटी है, सब कुछ सेम है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर किस बैंक से निकलेगा पैसा, तो यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए निकालने वाले हैं, विदड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर विदड्रॉइंग की भी एंट्री हो जा रही है। तो यहाँ देखिए 5,000 निकलेगा, तो सेंट्रल बैंक में कितना बच जाएगा, सिर्फ 5,000 बच जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो एंटर किया तो अब सेंट्रल बैंक में कितना बैलेंस दिखा रहा है, 5,000, और पंजाब में कितना हो गया है, 5,000। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर कीजिए एंटर करते हुए, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा कॉमेंट करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।